Welcome to Life Journey and Adventure. On this channel, I share my real life experiences. As I learned so much from these experiences, I believe that a lot of you out there can get something out of it and use it in your life too. आज का टॉपिक मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ डांस के बारे में. एटलीस्ट इट्स वेरी स्पेशल टू मी एंड आई नो डांस इज अ टॉपिक दैट इज वेरी स्पेशल टू एवरी डांसर एंड हूएवर इज वेरी क्यूरियस अबाउट हाउ अदर्स कैन डांस दिस ग्रेसफुली एंड व्हाई नॉट मी एंड ऑल्सो पीपल हु आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हाउ टू डांस. डांस ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई है लाइफ में एंड वन ऑफ देम इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. स्टेज पे मैं पहली बार गई थी वो डांस के लिए गई थी. डांस ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई है लाइफ में. फर्स्ट आई लर्न हाउ टू लिव इन द मोमेंट बिकॉज व्हेन आई एम नॉट डांसिंग माय हेड इज फुल ऑफ थॉट्स और मैं बहुत ऐसी बातों के बारे में सोचती हूँ जो ना प्रेजेंट में है पास्ट में है और फ्यूचर में है. Living in the moment is when my head is totally blank and I am only focused in enjoying dance for myself, even if I'm on stage. Dance has taught me to work towards goal and vision that can be presented in front of audience. Whenever I have emotional feelings and memories and whenever I feel like I am in lot of problems and I want to solve them in general, massive डांस करती हूँ. इट हैज हेल्प मी फ्रॉम माई चाइल्ड हुड टू अंटिल माई अडल्ट लाइफ राइट नाउ टू एक्सप्रेस एंड नॉट पाइल अप इन माई हेड व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट. मैं 5 साल की थी जब मैंने पहले डांस करना शुरू किया था. वो भी प्रोफेशनली नहीं. वी कुडंट अफोर्ड टू पे फॉर एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न डांस प्रोफेशनली. मेरी माँ हर संडे सैटरडे मेरी माँ के साथ में टीवी देखती थी. दूरदर्शन ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पे फिल्मोत्सव एंड छाया गीत देखती थी जिसमें मैं बॉलीवुड स्टार्स को फॉलो करती थी, उनके जैसा कॉपी करती थी, उनका मूवमेंट देखती थी, उनको बहुत ऑब्जर्व करती थी. और मैं हमेशा क्यूरियस रहती थी कि ये स्टार्स में ऐसा है क्या जिसमें लोग इनके बारे में बहुत बातें करते हैं, उनकी स्टोरीज बताते हैं, पर नन ऑफ अस हैव मेट देम. But still, you talk about them. You really care about what's going on in their lives. मेरी माँ मुझे बताती थी राज कपूर के बारे में, मधुबाला के बारे में, राकेश रोशन, शम्मी कपूर, बहुत सारे अदर ओल्ड स्टार्स. And then in the middle, I used to copy सुष्मिता सेन, माधुरी दीक्षित, जूही चावला, रवीना टंडन. And I used to enjoy dancing in general. बचपन में जब सारी आंटियाँ हमारी सोसाइटी में फ्रेश वेजिटेबल्स लेके बैठती थी, उनको छीलती थी, तब वो सब बातें करती थी एक ग्रुप में आके, तब मैं, मेरी बहनें और मेरे फ्रेंड्स, हम लोग एक टैलेंट शो बनाते थे ऑन द स्पॉट जहाँ पे एक हम में से एक होस्ट होता था, दूसरा डांस करता था, तीसरा गाता था और हम हमारा ओन शोज बनाते थे और सब लोग हमको देख के तालियां बजाते थे. इट बिल्ट माई कॉन्फिडेंस टू द पॉइंट दैट आई ऑलवेज इमेजिन माई सेल्फ ऑन स्क्रीन. फिर मैं माहिर में गई. उसके बाद माहिर एनजीओ में जाने के बाद मुझे पहली प्रोफेशनल कथक इंडियन क्लासिकल डांस ट्रेनिंग मिली फ्री में और ये ट्रेनिंग ने मुझे डांस का एक बेस दिया जहाँ बॉलीवुड के स्टार्स को तो मैं इमिटेट करती थी और उनके जैसे मूवमेंट्स भी करती थी, पर ज्यादा से ज्यादा मैं नाचती थी वो नाचती थी गणेशोत्सव में, गणपति बापा के सामने सब लोगों के साथ नाचती थी जैसे हम लोग बारात में डांस करते हैं. एक बार मेरी माँ सब्जी मंडी से आई और उसने मुझे देखा मैं गणेशोत्सव गणपति बापा के सामने नाचती थी जहाँ पे मैं सिर्फ 11 इयर्स ओल्ड की थी और मैं नाकमुका गाने पे क्रेजी होके नाच रही थी और मुझे पता भी नहीं था कि सब लोग मेरे साथ नाच नहीं रहे. मुझे लगा था कि सब लोग अभी भी मेरे साथ नाच रहे. मेरी माँ ने देखा, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर लेके गई. एंड आई थॉट दैट शी डिडंट सपोर्ट मी
But then in reality, she supported me throughout, all the time. मेरे माँ को मुझे देखना था कोई अवार्ड लेते हुए, जैसे हिरकनी, आईफा अवार्ड्स, ऐसे अवार्ड्स, एंड होपफुली आई विल मेक हर प्राउड वन डे. कथक सीखने के बाद मुझे डांस का एक बेस मिला, जहाँ पे मुझे डायरेक्शंस मिला, इंस्ट्रक्शंस मिले, और मैंने डांस सिखाना भी शुरू किया. और उसमें से ही मुझे पैसे आते थे कॉलेज का ट्रैवलिंग करने के लिए. सो डांस हैज मेड मी फील लाइक आई कैन बी इंडिपेंडेंट. आई ऑल्सो हर्ड फ्रॉम वन ऑफ आर क्लासिकल इंडियन वोकल म्यूजिक टीचर दैट you can never starve if you have skills and if you have some kind of art with you, you can survive through life. And I have always believed this, that no one can take art and your own skill from you. Yeah, so dance has helped me in many ways. Later on, after Mahir, when I went to UWC school, one of the subjects that I took was dance higher level. जहाँ पे हम लोग सिर्फ इंडियन क्लासिकल डांस नहीं करते थे, जहाँ पे मैंने सीखा कि कोरियोग्राफी क्या होता है. कोरियोग्राफी करना और सिर्फ टीचर से डांस सीखना एंड वही करना, उसमें बहुत सारा डिफरेंस है. सो आई बी डांस करने के बाद मैंने इंडियन क्लासिकल डांस पे रिसर्च किया. मैंने बहुत सारी कोरियोग्राफीज की जो सिर्फ इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में ही नहीं थी. वहाँ पे मुझे चैलेंज था कि मुझे दूसरा कोई डांस सीखना है जो कल्चरली मेरे डांस के बैकग्राउंड को रिलेट नहीं करता है. एंड देन आई वॉज एबल टू प्रेजेंट न्यू डांस स्टाइल, मेक फ्यूजन्स ऑफ डिफरेंट डांस स्टाइल्स, एंड दैट्स व्हाट आई एंजॉयड अ लॉट. देन लेटर ऑन मैं जब यूएस में सीखने के लिए आई, तो बहुत सारे लोगों को, मेरे फैमिली फ्रेंड्स को लगा कि मैं मेरी डिग्री ग्रेजुएशन होने के बाद डांस में थी, क्योंकि मैं कॉलेज में जाने के बाद भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढती थी जहाँ पे मैं डांस कर सकूं. सो वन ईयर में दो बार मैं स्टेज पे डांस करती थी, एंड देन इट यूज टू मेक मी रियली हैप्पी बिकॉज ऑफ स्टडीज आई कुडंट डू दैट रेगुलरली एनी मोर लाइक हाउ आई यूज टू डू इन माई कथक क्लासेस. अनदर थिंग दैट I learned from dancing is that now I am taking so many classes like flamenco, hip hop, contemporary, modern, making my own fusions, teaching dance. And from doing all of this, I have this ability of switching on and switching off for different dance styles. But at the same time, our unique language is dance and music. And through that, we learn so much from each other in a creative space that makes magic. आप लोग जब काम करते हो ना कोरियोग्राफी पे, तो बहुत देर लगता है वो सब सेटअप ऑर्गेनाइज करने के लिए. पर जब 5 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए तुम परफॉर्मेंस देते हो, तब ऐसा लगता है जैसे वो 2 सेकेंड्स का डांस था. एंड दैट्स द फीलिंग दैट आई एंजॉय द मोस्ट. Dance has been one of the identity, I would say, that people know me of or about me is dance. Next time, I'm going to talk about something very surprising that I'm going to do, and it's going to be a little vlog, and I'm very excited for it. I don't want to spill the beans because it's going to be a surprise. I hope you guys enjoyed this video. I tried to speak as much as Hindi I can. In my head, there is a mixture of Hindi, Marathi, and English, as I said in my another video. I hope you guys like this video. If you haven't checked out my previous video, go back and click on my video, Mere Plane Ka Pehla Safar. And I enjoyed sharing this with you guys. And I hope all the dancers out there and whoever is not dancer still can understand another soul who dances a lot. Goodbye and have a great day.